स्वर्ण कलश रखवा दो, बंधवा दो बंधनवा। आई गयो रघुनंदन श्री राम सजवा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में अब चंद ही घंटों का समय बचा है। रामलला की भव्य मूर्ति अपने गर्भगृह में विराजित हो चुकी है। पूरे देश में उत्साह का माहौल है। कई बड़े नेता राजनेता इस भव्य समारोह में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी इस उद्घाटन समारोह में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पूजा पूरे विधि विधान से करने जा रहे हैं। इस दौरान अब खबर आ रही है कि देश के अलग अलग हिस्सों से 14 दंपति यजमान की अहम भूमिका कुछ ये 15 या 14 जो यजमान हैं वो निभाने जा रहे हैं। कल होने वाली इस मुख्य प्राण प्रतिष्ठा पूजा समारोह में ये 14 दंपति होंगे जो हिस्सा लेंगे। ये सभी दंपति भारत के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर पूर्व पश्चिम दक्षिण से और पूर्वोत्तर से यहाँ पर शामिल होंगे और ये सभी भगवान राम के होने वाले भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मुख्य यजमान के रूप में आएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अखिल भारतीय प्रचार के प्रमुख सुनील आंबेडकर ने खुद इन यजमानों के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने की जानकारी दी है। इन यजमानों की सूची में कई लोग शामिल हैं। उदयपुर से रामचंद्र खरादी, जसम से राम कुर्व जेमी, जयपुर से गुरुचरण सिंह गिल, हरदोई से कृष्ण मोहन, मुल्तानी से रमेश जैन, तमिलनाडु से आदल रासन और महाराष्ट्र से विट्ठल कामनले शामिल है। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में घुमंतू समाज ट्रस्ट से महादेव राय, कर्नाटक से लैंगराज बासवराज, लखनऊ से दिलीप वाल्मीकि, डोमराजा के परिवार से अनिल चौधरी, काशी से कैलाश यादव, हरियाणा के पलवल से अरुण चौधरी और काशी से खुद कविंद्र प्रताप सिंह भी इस सूची में शामिल हैं जो कल उद्घाटन समारोह में यानी प्राण प्रतिष्ठा उद्घाटन समारोह में अपनी अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने इस पर अपना बयान भी दिया है और कहा, ये लोग इस समारोह में अपनी पत्नी के साथ शामिल होंगे, इनका व्यापक सहभाग होगा और धार्मिक ग्रंथों में जैसा उल्लेख है उसी प्रकार से समग्र पूजा की जा रही है। इस देश के हर हिस्से से लोग भगवान राम के जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण चाहते थे। कई लोगों ने इसके लिए संघर्ष किया। देश के हर कोने से लोग विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल रहे और इसके लिए अभियान भी चलाया। इसीलिए हर कोई इस मंदिर से जुड़ना चाहता है क्योंकि यह एक ऐतिहासिक क्षण है। ये भारत का उत्सव है और हिंदू समाज के लिए एकता का भी उत्सव है। बता दें कि धार्मिक स्थानों से लाए गए जल से शुद्धिकरण भी किया गया है। अनुष्ठानों में भगवान के विग्रह को देश के विभिन्न हिस्सों से लाई गई रावकर और पुष्प भी अर्पित किए गए हैं। राम मंदिर समारोह से जुड़े अधिकारियों ने यह तक बताया है कि 16 जनवरी को प्रारंभ हुआ यह अनुष्ठान आरएसएस नेता अनिल मिश्रा और उनकी पत्नी उषा मिश्रा की ओर से किया जा रहा है। अनिल मिश्रा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के 15 न्यासियों में से एक है। बता दें कि रामलला की ये भव्य मूर्ति भी अब अपने स्थान पर विराजित हो चुकी है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा कल होनी है। इस भव्य मूर्ति को मैसूरू स्थित शिल्पकार अरुण योगी राज ने तैयार किया है और ये रामलला की जो ये मूर्ति है इसकी ऊंचाई करीब करीब 51 इंच है। बहरहाल अब राम मंदिर उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आखिरी के कुछ ही घंटों का समय शेष है। भगवान राम के दर्शन करने के लिए अब श्रद्धालुओं की भीड़ तेजी से उमड़ रही है। फिलहाल अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, इस पूरी खबर पर अब आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वीके न्यूज। धन्यवाद। वीके न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड सच का सारथी।